नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से हम लोग रेगुलर बात कर रहे हैं बीमारियाँ और उनके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, आज थोड़ा सा हम लोग एक टिपिकल डिजीज़ पर बात करेंगे। टिपिकल डिजीज़ यानी ऐसी बीमारी जो थोड़ा सा टफ है। इस बीमारी से जिन पेशेंट्स का काम पड़ता है या जिनका काम पड़ा हुआ है वो समझ सकते हैं कि ये बीमारी टफ क्यों मैंने बोली है। दोस्तों, ये एक चर्म रोग है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और इस स्किन डिजीज़ या चर्म रोग का नाम है सोराइसिस। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी जिसका कि यूजुअली जिससे काम पड़ जाता है वो मेरी बात को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि मैंने इस बीमारी को टफ बीमारी क्यों बोला। दोस्तों, हमारे पास मेरी क्लिनिक का अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करूं, जो सोराइसिस के पेशेंट्स आए और आते हैं, यूजुअली मैंने देखा कि किसी को 2 साल से सोराइसिस है, किसी को 5 साल से सोराइसिस है और वो एलोपैथी ले रहे हैं या जो भी चिकित्सा प्रणाली काम में ले रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे पेशेंट्स आए जिनको 10 साल से सोराइसिस है, ऐसे पेशेंट्स आए और आते हैं जिनको 20-20 साल 25-25 साल से सोराइसिस है और हर तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन उनको कोई आराम नहीं मिल रहा, बस बीमारी दबी हुई रहती है। काफ़ी तरह की मेडिसिंस लेते हैं कि स्किन पे कम से कम दिखे तो ट्यूब्स और कुछ मेडिसिंस वगैरह जिससे कि वो ऊपर दिखती नहीं, बट बीमारी अपनी जगह पड़ी है। इसलिए मैंने इस डिजीज़ को बोला कि सोराइसिस एक टफ डिजीज़ है। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और मेरे से जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे या कैसे भी, और इस वीडियो आप तक पहुँच रहा है, अगर किसी को भी सोराइसिस है या किसी के भी दोस्त को फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर, रिश्तेदारी में कोई भी ऐसा जिसको कि आपने सुना कि उनको सोराइसिस डिजीज़ है, दोस्तों उसके अंदर उनको सजेस्ट करें कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर लें। सोराइसिस डिजीज़ के अंदर होम्योपैथी का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, यहाँ मैं किसी दूसरी पैथी को कम नहीं बता रहा हूं। मेरा जो कहने का मतलब है कि होम्योपैथी वहाँ बेटर है, उसका मैसेज ये है कि कोई भी पैथी, वो चाहे एलोपैथी है, चाहे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, कोई भी पैथी इंक्लूडिंग होम्योपैथी, कोई भी पैथी अपने आप में कंप्लीट नहीं होती। जिस प्रकार कोई भी इंसान अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, सभी को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, सभी एक दूसरे की हेल्प करके रहते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह से घर, परिवार, समाज और देश में रह सकते हैं। उसी तरह से जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है तो बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर एलोपैथी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्विक और बेटर रिजल्ट्स हैं। बहुत सी जगह आयुर्वेद के अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत सी जगह यूनानी या दूसरी पैथी के अच्छे हैं, बट जब स्किन डिजीज़ की बात आती है, चर्म रोगों की बात आती है, लंबे समय से आप बीमार रहो वहाँ की बात आती है, दोस्तों उसके अंदर होम्योपैथी बेस्ट है। वहाँ होम्योपैथी का ट्रीटमेंट मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा है और सोराइसिस उन्हीं में से एक बीमारी है। और जो बीमार हैं जिनको सोराइसिस है वो समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप 10 साल से भी बीमार हैं, आप 20 साल से भी आपका सोराइसिस ठीक नहीं हुआ, मैं आपको बोलता हूँ आप होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर लीजिए। आप जहाँ भी रहते हैं, जिस शहर में भी रहते हैं, ऑलमोस्ट आजकल सभी सिटीज़ के अंदर काफ़ी अच्छे आपको होम्योपैथिक डॉक्टर्स मिलेंगे। आप अपने नियर के अंदर अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर्स आपको ढूंढिए और उनसे मिलिए, वो आपसे इस डिजीज़ में डेप्थ में बात करेंगे। आप गए तो सोराइसिस दिखाने के लिए कि मुझे सोराइसिस ठीक करना है, वो आपसे टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे, वो आपसे पूछेंगे नमक कितना खाते हो, नींद कितनी लेते हो, इस तरह की बात, प्यास कैसी लगती है, आपके घर में किसी और को, माताजी, पिताजी, ब्रदर, सिस्टर्स, कभी किसी को कोई ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं हुआ है या कोई और तरह की लंबी बीमारी से काम तो नहीं पड़ा। आप हो सकता है सोचें, अगर आपका होम्योपैथी से पहले जुड़ाव नहीं है, जो होम्योपैथी से जुड़े हैं वो समझ पा रहे हैं कि मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ, बट अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या आपका होम्योपैथी से पहले काम नहीं पड़ा हुआ है तो आपको लगेगा ये क्या बात हो रही है, या आप गए मिलने और डॉक्टर साहब ही मुझसे क्या पूछ रहे हैं, ये क्या क्वेश्चन हो रहे हैं कि आप नमक कितना खाते हो। दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि वो आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करेंगे। वो बीमारी बीमारी नहीं है, वो बीमारी आपके शरीर में आ गई, वो बीमारी आपकी बॉडी का और जीवन का एक हिस्सा बन गई,
वो बीमारी आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बन गई, इसलिए वो आपको समझना चाह रहे हैं क्योंकि वो बीमारी आपका हिस्सा बन गई। अब उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालना है, परमानेंटली ख़त्म करना है, तो आपकी बॉडी की हैबिट्स, आपकी मेंटल हैबिट्स, आपकी रूटीन, दूसरी हैबिट्स को वो समझेंगे और बाकी कई क्वेश्चन वो आपसे करेंगे। और आप उनसे जितना ओपन होकर बात करेंगे, जितना आप डेप्थ में बात करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपके ट्रीटमेंट के लिए उतना ही अच्छा होने वाला है। इसलिए जब भी जाएं, अपने डॉक्टर से डेप्थ में बात करें, डिस्कशन करें, पर्टिकुलरली वो आपसे जो क्वेश्चंस करें उनको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दीजिए। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि हमेशा बेटर रहता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर से जब भी आप मिलने जाएं तो अकेले जाएं। अगर आप मेच्योर्ड हैं, समझदार हैं, डॉक्टर के चैम्बर में अकेले जाएं, छोटा बच्चा है साथ में, पेरेंट्स वगैरह उसको कंपनी दे, साथ में जाएं और उस डिजीज़ के बारे में और आपके बारे में वो जितना बात करेंगे उतना अपने लिए बेटर है। इस पॉइंट पे मैं इतना इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि इस बीमारी की कोई फिक्स मेडिसिन नहीं होती है। जैसा हम दूसरी डिजीज़ में बात करते हैं कि ये लीजिए आपको इनसे आराम पड़ जाएगा, कई बार मैं भी कहता हूँ इस चैनल में भी आपको कई बताता हूँ कि जो लोग दूर रहते हैं और जिनको लगता है कि मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलना चाहिए, तो मैं भी उनके साथ मेडिसिन शेयर करता हूँ कि यार सबसे पहली बात कि आप हमेशा अपने नियरेस्ट डॉक्टर को अप्रोच करें। जो क्लिनिकल डिस्कशन होगा उससे जो मेडिसिन निकल के आएगी वो आपके लिए बेस्ट है, बट अगर वो नहीं है तो कुछ मेडिसिन आपको बताते हैं कि आप ये लीजिए, आपको फ़ायदा होगा, आप कंफर्टेबल रहेंगे, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बट दोस्तों, सोराइसिस ऐसी डिजीज़ है जिसके लिए आप सिर्फ डॉक्टर के चैम्बर में जाके ही ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिसमें इन क्लिनिकल डिस्कशन चाहिए, आपकी फ़िजिकल प्रेजेंस चाहिए, आपसे कम्युनिकेशन चाहिए। डॉक्टर आपको रेगुलर बुलाएंगे जब सोराइसिस की मेडिसिन देंगे, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर बाद के अंदर, जैसा उनको लगेगा, एक फ्रीक्वेंसी से आपको कॉल करेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, डिजीज़ पहले से कम हुई है क्या, या जैसे ही एलोपैथी या कुछ मेडिसिन आप जो भी आप लेके आ रहे हैं किसी भी पैथी की, बंद की, होम्योपैथी स्टार्ट की, हो सकता है आप नेक्स्ट टाइम आए, अरे सर मेरे शरीर पे तो पूरा बढ़ गया है ये, घबराएं नहीं। सोराइसिस में अगर आपका शुरू में आपको लगता है कि मेरी बीमारी बढ़ी है, ये एक अच्छा साइन है। जिस प्रकार आप अपने घर की सफाई करते हैं, झाड़ू निकालते हैं तो पूरा कचरा बाहर निकालते हैं आप, उसी तरह से सोराइसिस का जब आप ट्रीटमेंट लेंगे तो डॉक्टर साहब आपको ऐसी डोज हो सकता है देवें और आपको लगे कि अरे मेरी डिजीज़ बाहर आई है, मेरा बीमारी कुछ बढ़ गई है क्या, मैं बंद कर दूं, मैं घबराए नहीं। दोस्तों, आप उस बीमारी को 20 साल से लेके घूम रहे हैं आज तक, क्या ठीक हुई? अंदर ही अंदर डालने से क्या बीमारी ठीक हुई? नहीं। आपके डॉक्टर साहब जो आपको ट्रीटमेंट देंगे, और अगर आपकी डिजीज़ आपको लगता है इनिशियली बढ़ी या बीच बीच में भी अगर बढ़ रही है, वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, वो बीमारी आपकी बॉडी से ही बाहर आ रही है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, आपकी डिजीज़ अंदर से जड़ से ख़त्म हो रही है, इसलिए वो बीमारी को दबा नहीं रहे हैं, उल्टा बीमारी बाहर निकल रही है। आप अगर पहली बार होम्योपैथी के बारे में ऐसा सुन रहे हैं तो ये आपको हो सकता है थोड़ा सा, जैसा मैंने बताया, अजीब लगे, बट अगर आप होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। दोस्तों, बड़ी संतुष्टि मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है जब कोई सोराइसिस का पेशेंट क्लिनिक पर ठीक होता है। और मेरी क्लिनिक का मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, होम्योपैथी से बढ़िया मुझे नहीं लगता सोराइसिस का कोई ट्रीटमेंट है। बट आपको इसमें धैर्य रखना होगा, आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा खुद पे, अपने डॉक्टर पे, कंटिन्यूटी रखनी होगी। जिस प्रकार आप 20 साल से दवाई ले रहे थे, अगले एक साल, डेढ़ साल या दो साल तक नियम से होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, सोराइसिस आपका बिल्कुल ठीक होगा। दोस्तों, आज के वीडियो से मैं आपको यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आपको या परिवार में, रिश्तेदारी में किसी को भी सोराइसिस है, उनको अपने पास के अंदर सर्च कीजिए और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर दिलवाएं, जिससे कि वो एक अच्छा जीवन जी सकें। जिनको दोस्तों सोराइसिस हो जाता है, ये बीमारी लंबी तो चलती ही है, बट जब कोई सोराइसिस पेशेंट ठीक होता है तो उससे हमें बहुत खुशी मिलती है, एक सेटिस्फेक्शन कि मेरा सोराइसिस का पेशेंट ठीक हुआ। और इसका एक बड़ा कारण जो मैं आपको बताऊँ कि सोराइसिस के पेशेंट्स को अक्सर मैंने देखा है थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि स्किन के लुक्स खराब होने लगते हैं, उनको किसी से बात करने में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि स्किन खराब हो गई, फेस पे स्पॉट्स हो गए, बॉडी पे स्पॉट्स हो गए, कहीं बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, पब्लिक में घुलना मिलना से अक्सर बचने लगते हैं। तो जब ऐसे लोग ठीक होते हैं तो एक बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है,
बहुत एक संतुष्टि मिलती है कि मेरा सोराइसिस का पेशेंट ठीक हुआ। और अगर आपके परिवार में कोई है तो आप समझ पा रहे हैं कि सोराइसिस पेशेंट्स थोड़ा सा इन चीज़ों से घबराते हैं। मेरा मैसेज है उन सोराइसिस पेशेंट्स के लिए, अगर आपको सोराइसिस है घबराएं नहीं, पास में अच्छे डॉक्टर साहब के पास जाके मिलिए, होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, आप ठीक हो। दोस्तों मैं इसकी डिजीज़ की कोई मेडिसिन यहाँ शेयर नहीं करने वाला, क्योंकि इसकी मेडिसिन बिल्कुल इंडिविजुअल मेडिसिन होती है। आप अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें और वो जो आपको मेडिसिन देंगे वही बेस्ट मेडिसिन है इसकी। बस आपको कंटिन्यूटी रखनी होगी, ये आप इंश्योर करें। और हो सकता है आपका ट्रीटमेंट एक साल चले, डेढ़ साल चले या दो साल चले, बट आप ज़रूर ठीक होंगे। यही मैं इस मैसेज को जो देना चाह रहा हूँ वो कंक्लूड करूँगा कि अगर आपको सोराइसिस है होम्योपैथी ज़रूर लें दोस्तों, ज़रूर लें। अगर आप जोधपुर से बिलोंग करते हैं और मेरे पास आना चाहते हैं तो मेरी क्लिनिक का एड्रेस है यश होम्योपैथिक सेंटर, रोटरी चौराहे से MDM हॉस्पिटल रोड के बीच में ये क्लिनिक है यश होम्योपैथिक सेंटर, और आप उससे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों जोधपुर के अंदर काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप ऑलरेडी कई अच्छे डॉक्टर साहब से कनेक्टेड हैं, आप उनके पास जाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, बस आप ठीक होंगे। आप जहाँ भी रहते हैं अपने नियरेस्ट में अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, यू विल बी क्योर, आपको बिल्कुल इसमें 100% रिलीफ मिलेगा। दोस्तों इसी तरह से हम लोग और बीमारियाँ और उनकी होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।